17 तारीख को हमारे पास एक सूचना आई थी कि एक सिद्धार्थ वाला आपका लड़का जो कि छिया कला चंदौली का रहने वाला है कि वो 15 तारीख को अपने घर से गया था और 17 तारीख में उसके फ़ोन से एक मैसेज आया है, उसी के फ़ोन से एक मैसेज आया है जिसमें एक फिरौती की मांग हुई है और वो लड़का गायब है। इस पर हमने वर्कआउट किया है तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता लगा है कि 15 तारीख में ये अपने फ्रेंड अमित कुमार के साथ ये बैठा था और उसका भाई कन्हैया कुमार जो ये दोनों साथ में बैठे हुए थे और शराब पी रहे थे। शराब पीने के बाद उनके बीच में विवाद हुआ है और विवाद के दौरान दोनों ने मिलके इसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद अपने ही घर में जो अमित के घर में ही इन्होंने उसकी बॉडी को सिद्धार्थ जायसवाल की बॉडी को वक्त गाड़ दिया था और सारे क्या कहते हैं उन्होंने उसको कवर किया। उसके बाद इन्होंने डाइवर्जन करने के लिए दो दिन बाद उसका फ़ोन ओपन किया और ये पूरी कहानी गढ़ी किडनैपिंग वाली ताकि पुलिस और बाकी लोग डाइवर्ट हो जाए। तो वो यहाँ से फिर वो गया, यहाँ से बॉर्डर पे गया, बॉर्डर पे जाके फ़ोन ऑन किया, वो ऑन करके उसने मैसेज और कॉल दोनों किए हैं जो सिद्धार्थ जायसवाल है उसके छोटे भाई जय जायसवाल को ये बताने के लिए कि तुम्हारा भाई किडनैप हो गया है और फिर उसके बाद ये कॉल करके ये वापस आ गया और अपने छोटे भाई को सेम टी शर्ट में उसके बाद इसने घुमाने के लिए वहाँ भेज दिया ताकि बाकी लोगों में भी कन्फ्यूजन की स्थिति इसने पैदा कर दी ताकि इसके पीछे पुलिस ना रहे। बट इन्वेस्टिगेशन अच्छी इन्वेस्टिगेशन हुई है और ये इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ये निकला कि इसके सारे दोस्तों को ट्रेस किया गया, उसके बाद पता किया गया और ये निकला कि इसके बीच में विवाद हुआ था और विवाद में इसको जो चोटें आई थी इसकी बॉडी में तो उस पर पूछताछ में हमने ये देखा कि चोटें क्यों आई हैं तो उसमें हमें ये पता लगा कि इसके द्वारा घटना साबित की गई है और बॉडी को अपने ही घर में छुपा दिया गया है। अमित है, ये BTC का छात्र है और 22 साल इसकी उम्र है। इसके पिता प्रतापगढ़ में एक कनिष्ठ लिपिक है ब्लॉक में और ये अच्छे घर का लड़का है और ये सारी घटना का पूरा क्रम रहा है। क्या लग रहा है हत्या के पीछे वजह क्या है? हत्या के पीछे जो वजह है इनकी आपस में जो बहस हुई है हत्या के पीछे कोई खास मोटिव नहीं है। हत्या बेसिकली एक बहस की वजह से हुई, जो ये लोग शराब पी रहे थे उसी दौरान एक सिगरेट लाने के लिए ये विवाद हुआ जिसमें ये बोला गया कि इसने जय सिद्धार्थ को बोला गया अमित के द्वारा कि सिगरेट ले गया और जिसपे सिद्धार्थ ने मना किया और उस पर गाली गलौज हुई और उसी हीट ऑफ द मोमेंट में इनके साथ विवाद हुआ। इवन क्या कहते हैं जो सिद्धार्थ ने इसने अपने दांतों से उसके चेस्ट पे बाइट भी किया है और इसके बाद क्या कहते हैं इन दोनों भाई ने पकड़ के उसकी हत्या की। हाँ, अमित जो और भी क्या कहते हैं उसके फ़ोन में हमने देखा तो ये पता लगा कि अमित एक ऑनलाइन कुछ फ्रॉड्स भी करता रहा है लोगों के साथ, पिछले कुछ महीनों से ही वो कर रहा था। किस तरह के फ्रॉड्स थे वो? बेसिकली वो लोगों को स्कीम्स वगैरह देंगे और फोन पे क्या कहते हैं उनको चीट करने का प्लान। कितने फिरौती की मांग एक कॉन्स्टेंट नहीं थी क्योंकि वो सिर्फ डाइवर्जन था, क्योंकि इन्होंने एक बार 20 लाख की मांग करी, फिर एक बार 25 लाख की मांग करी, इस प्रकार के दो तीन मैसेज थे और क्योंकि जो स्पोर्ट का ऑब्जेक्टिव डाइवर्जन था, फिरौती नहीं था ऑब्जेक्टिव।